नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 25 जून 2021 के बारे में। 25 जून 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। 25 जून 2021, सबसे पहले देखते हैं एनर्जी कैलकुलेशन क्या कहती है। 25 नंबर 7 यहाँ पर पहला नंबर आता है। कंबाइन कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो देखिए कौन सा नंबर आता है। कंबाइन कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर आपके लिए नंबर जो आता है वो है आपका नंबर 9। नंबर 7 जो है यहाँ पर मंगल का नंबर है। नंबर 9 जो है यहाँ पर केतु का नंबर है। दिन आपका रहेगा फ्राइडे का दिन, शुक्रवार का दिन। और ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर देखा जाए तो ये जो दिन है ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा भागम भाग वाला दिन रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त दिन रहने वाला है, बहुत बिजी डे रहेगा ये। कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी न किसी काम में लगे रहें, किसी न किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखें और आपको टाइम ही ना मिले किसी और चीज़ का, ऐसा दिन जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिन यहाँ पर आप सभी का जाने वाला है, क्योंकि जो काम आप करेंगे वो आप कहीं ना कहीं खुशी से करेंगे और उसके रिजल्ट भी बाय एंड ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। मतलब कि मेहनत का फल मिलने वाला है इस पूरे दिन में। आज आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। मेहनत चाहे आप कहीं पर भी कर लें, आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मेहनत थोड़ी सी हो बट रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिले, ऐसा भी हो सकता है। ये दिन आपके लिए कुछ देने आया है, आपको कुछ कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देने वाला है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। शेयर मार्केट में भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें भी आज एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट में भी कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजिशन बनेगी और एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। पैतृक संपत्ति यहाँ पर अगर आपको नहीं मिल पा रही और आप बातचीत करना चाहते हैं उसके लिए तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी एक शानदार दिन यहाँ पर आपका रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियली डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन यहाँ पर रहने वाला है। वो सभी लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी डेफिनेटली कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल सकता है या फिर जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं उसी में कुछ बड़ा करने की वो कोशिश यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं, ऐसे चांसेस भी बनते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो दिन है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिन यहाँ पर रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन यहाँ पर रहने वाला है। पारिवारिक माहौल को अगर देखें तो पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा और सुख शांति बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी। साथ ही साथ आप कहीं जाने का भी प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। हालांकि कोरोना चल रहा है, जो भी प्लान करें वो सावधानी के साथ करिएगा, थोड़े समय के बाद के लिए करिएगा, बट फिर भी ऐसा प्लान कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। क्योंकि पूरे दिन बिजी रहेंगे सो दैट्स वाई बॉडी एक आपको आज हो सकता है, थोड़ा सा टायर्डनेस हो सकती है, थोड़ा सा आपको बॉडी एक बैक साइड में थोड़ा सा पेन हो सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। बट नथिंग टू वरी, बहुत ज़्यादा मेजर कुछ भी नहीं होगा, बहुत आराम से दिन निकल जाएगा और बहुत आराम से आपको आप इस दिन को निकाल देंगे। देश और दुनिया में भी अगर बात करें दोस्तों तो देश और दुनिया में भी ये जो दिन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन जाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिन जाने वाला है और कहीं ना कहीं देश और दुनिया में भी ये दिन एक अच्छा रिजल्ट देता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। कुछ अच्छी न्यूज़ यहाँ पर और आ सकती है बट कुछ कन्फ्यूजिंग न्यूज़ भी यहाँ पर आ सकती है। जी हाँ, कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज करेंगी, कुछ चीज़ें आपको रिलैक्स करेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए दिन शानदार जाए, किसी को भी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी यहां पर ना हो। राशियों के लिहाज से अगर देखा जाए दोस्तों तो राशियों के लिहाज से मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि आप सभी के लिए शानदार दिन जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यहां पर अल्फाबेट्स में देखा जाए तो अल्फाबेट्स में लेटर्स कौन कौन से हैं, सी डी एच L, O, P और S आप सभी के लिए अच्छा रिजल्ट यहाँ पर जाने वाला है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर नंबर्स की। तो नंबर्स में आप देखिएगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 9 आप सभी के लिए शानदार दिन यहाँ पर जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आइए बात करते हैं अचूक उपाय के बारे में कि आपको आखिर क्या उपाय करना है जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, चीज़ें आपके लिए अच्छी हों और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो पाए।
यहाँ पर आपको जो उपाय करना है उसमें एंजल नंबर और रेमिडीज मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ बहुत क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ, जो भी उपाय मैं आपको बताता हूँ वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कौन सी कम्युनिटी से है, वो कौन से देश से, कौन सी कंट्री से, डजंट मैटर, और कहाँ रहता है डजंट मैटर, आप मेरे उपायों को कर सकते हैं, ये नुकसान वाले उपाय नहीं हैं। दूसरी चीज़, जिस स्थान पर हैं उस स्थान के टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको उपाय करना है, ना कि इंडिया के टाइम को फॉलो करना है। जस्ट बिकॉज कि मैं इंडिया में रहता हूँ डजंट मीन कि आपको उपाय इंडिया के हिसाब से करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी मैं टाइम बताता हूँ वो टाइम आपको उसी कंट्री का लेना है जिस कंट्री में आप रहते हैं। और साथ ही साथ उपाय करने से पहले नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। तंत्र और टोटके नहीं कर रहे हैं आप बहुत साधारण सी और बहुत वैदिक रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं, और ये वैदिक रेमेडी हमेशा काम करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये उपाय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर रहेंगे। चलिए एंजल नंबर मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आपको क्या इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। एंजल नंबर आपके लिए एक ऐसा नंबर होता है जो कि यूनिवर्सल कैलकुलेशन के आधार पर मैं एक नंबर बनाता हूँ, और वो नंबर 99% काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। और अभी तक जितने रिव्यूज़ मिले हैं एंजल नंबर को लेके, वो सारे के सारे रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। चलिए आज जो आपको नंबर इस्तेमाल करना है, मतलब कि फ्राइडे के दिन जो आपको नंबर इस्तेमाल करना है वो रहा ये नंबर। नंबर लिखिएगा आप 6106, 6106। इट्स अ पावरफुल नंबर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर है। इस नंबर की दो खासियत रहेगी आपके लिए, ये नंबर आपको एकदम से राइज करेगा, एकदम से जंप देगा, और यही नंबर आपको एकदम से कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ दिलाने की भी कोशिश करेगा, मतलब कि बॉडी की एनर्जी को अप करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बना के रखेगा, जो पूरा बिजी डे है उसमें आपको एक रिलीफ देने का काम करेगा, और रिजल्ट निकलवाने में आपकी मदद ये नंबर ज़रूर करेगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द गुड रिजल्ट्स, दिस नंबर विल हेल्प यू। ये नंबर आप किसी पेपर पर लिख सकते हैं, आप मन में दोहरा सकते हैं, आप हाथ पे लिख सकते हैं, किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इस नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कि आप इस नंबर को इसी तरह से इस्तेमाल करें या इसी तरह से इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा नंबर कैसा है, मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या रिजल्ट मिलता है, और उसके बाद दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि नंबर कितना पावरफुल है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अचूक उपाय की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जो अचूक उपाय आपको करना है वो रहा ये। आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह सुबह नहाने धोने के बाद, पूजा करते समय, या कुछ भी काम करने से पहले, दोनों ही समय कर सकते हैं आप, और सुबह और शाम दोनों टाइम भी कर सकते हैं ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आपको क्या क्या लेना है, अगर आपके पास काले तिल हैं तो काले तिल ले लीजिएगा, अगर आपके पास वाइट तिल हैं तो वाइट तिल ले लीजिएगा, और अगर आपके पास दोनों ही हैं काले तिल और वाइट तिल तो दोनों आप ले लीजिएगा। बहुत कम, 5-5 दाने काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुछ दाने काले तिल के, कुछ दाने वाइट तिल के, दोनों है तो दोनों, कोई एक है तो एक, और कोई भी अगर नहीं है तो भी उपाय बता रहा हूँ। इसके साथ आप क्या कर देंगे, चीनी मिला लेंगे, मतलब कि कुछ दाने वाइट तिल के, कुछ दाने काले तिल के, और कुछ दाने चीनी के। इन तीन में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है, और जिसके पास तीनों चीज़ें हैं वो तीनों यूज़ कर सकता है, जिसके पास कुछ दो चीज़ें हैं वो दो यूज़ करें, जिसके पास कोई एक चीज़ है वो एक ही यूज़ करें। क्या क्या करना है, काले तिल, वाइट तिल और चीनी एक साथ लेना है आपको, और अपने घर के थोड़ा सा बाहर किसी भी पेड़ के वहाँ पे, पीपल का पेड़ हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर पीपल का पेड़ नहीं है और कोई दूसरा पेड़ है तो उस पेड़ के वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा पानी गिराना है, उसके बाद इन दानों को गिराना है, और उसके बाद उनके ऊपर वापस से पानी गिराना है। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ही उपाय करना है, और अपने आप को रिलैक्स करना है। जो भी काम बन पाएगा वो बन जाएगा, आपको ये प्रार्थना करनी है, कोई स्पेसिफिक काम के ऊपर टारगेट नहीं करना है कि मेरा यही काम बने, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका कोई ना कोई काम ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक उपाय है, इसीलिए किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ना करके इसको जनरल करा जाए तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दिन की शुरुआत जो आप करेंगे वो गुड़ खा के करेंगे, गुड़ आप सभी के घर पे होगा ही होगा, जिसके घर पे ना हो वो शहद खा सकता है, शहद भी ना हो तो लास्ट ऑप्शन चीनी ही बचता है, तो चीनी खा लीजिएगा, अदरवाइज गुड़ इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गुड़ खा के अपने दिन की शुरुआत करिएगा, ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुबह चाय, कॉफ़ी, नाश्ता कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए और अपने दिन की शुरुआत करें, और ये उपाय करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा प्लीज़। और अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।